वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे हैं बास्ती, आपको दिखाएंगे नागौर का बास्ती का एरिया। तो लेट्स गो गाइस, बास्ती की शहर करने के लिए आप और मैं और मेरा फ्रेंड एक चलिए हमारे साथ बास्ती देखने, जिसको नागौर का छोटा कोफ्ते कहते हैं। पील का जूस पीकर अब चलते हैं बास्ती तो चलिए गाइस, आज आपको बासनी घुमाते हैं, बासनी की शहर कराते हैं। ये भी हमारा नागौर ही है, वैसे नागौर से ज़्यादा दूर नहीं है बासनी, 15-20 मिनट लगते हैं गाड़ी पे, बाइक पर बहुत कम टाइम लगता है यहाँ पर, है ना। ये हमारे नागौर की सड़कें देखिए, बहुत ही प्यारा मौसम है ना, कोई धूप ज़्यादा धूप भी नहीं है, ज़्यादा ठंड मतलब गर्मी भी नहीं है, एकदम कूल मौसम है, बढ़िया मौसम है। ये पुलिया है गाइस, हमारे नागौर में अभी बना है ये पुलिया, बहुत रिस्क की पुलिया है ये। इस पुलिये पे आने पर पूरा ध्यान अपना बाइक पर ही रखना चाहिए, ये भी मैं अपने फ्रेंड को भी यही बोलूँ कि पूरा ध्यान अपना बाइक पे ही रख, क्योंकि ये देखिए ये तीन तरफ पुलिया है, तीन तरफ से रास्ते खुलते हैं इसके, एक सामने से आता इधर से आता है और ये इधर देखो ये इस साइड में जाना होता है, जिसमें सामने से भी गाड़ियाँ आती है, तो आराम से ध्यान से चलाना होता है, पूरा ध्यान इस समय गाड़ी पर ही रखना चाहिए। हालाँकि मैं तो गाड़ी के पीछे हूँ तो आराम से मैं बोल भी पाऊँ और दिखा भी पाऊँ आपको मोबाइल से। ये देखिए बादल कितने प्यारे हो रखे हैं, ये पुलिया से हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे की उतरते जा रहे हैं, सीधा नीचे उतरते ही पुलिया के सीधे चलते रहो, वहीं पे बस नहीं है, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, सीधा चलना है। आधे से ज़्यादा हमारे नागौरवासी भी ऐसे जिन्होंने बस नहीं देखा है ना, मैं आज सबको बस नहीं दिखाना है, मैंने कहा फ्राइडे है सबको बस नहीं दिखा देते हैं आज। ये देखिए बादल देखिए कितने प्यारे, और यहाँ प्लॉट कट रहे हैं अभी नए, धीरे 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 ये भी बहुत डेवलप हो जाएगा एरिया, लगभग बहुत ज़्यादा हो गया है, पहले तो यहाँ पर एक भी घर नहीं था, अब यहाँ पर तो हर मतलब 10-15 मिनट में पेट्रोल पंप आ जाते हैं, तो बहुत ही बसने लग गया है धीरे धीरे एरिया। यहाँ प्लॉट भी कट रहे हैं नए, अभी मिल भी रहे हैं प्लॉट, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा एरिया। ये देखिए अभी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बादल देखिए गाइस, उनमें से सूर्य अस्त होता हुआ कितना प्यारा नज़ारा है। सीधे सीधे चल रहे हैं हम, अब हवा का आनंद ले रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड एक्की, दोनों जने आनंद ले रहे हैं हवा का। ये पुलिया अभी बना है गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इस पुलिये को बनने में, ये भी बहुत 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 फ़ायदे वाला पुलिया है हमारे, क्योंकि यहाँ से नागौर मतलब नागौर के अंदर नहीं आना पड़ता, बाहर से ही आप सीधा जोधपुर निकल सकते हो, मतलब सिटी के अंदर आने की ज़रूरत ही नहीं है, बाहर से सीधा जोधपुर निकल सकते हो, ऐसा एरिया है। ये एक और पेट्रोल पंप आ गया, अभी आपने देखा ही था पहले भी पेट्रोल पंप था, ये एक और आ गया, अब हम बासनी के अंदर एंटर हो गए हैं गाइस। ये देखिए बासनी स्टार्ट हो गया है, जिसे नागौर का छोटा मुंबई कहते हैं, ये हमारे मुसलमान भाइयों बहनों का घर है यहाँ पर, बहुत ही प्यारी जगह है बासनी। बासनी एकमात्र ऐसी जगह है गाइस जहाँ सीतापल का जूस मिलता है, और नागौर में कहीं सीतापल का जूस नहीं मिलेगा, लेकिन बासनी में सीतापल का जूस ज़रूर मिलेगा। ये देखिए आज वो ईद है ना, ईद ये फ्राइडे, नमाज पढ़ के सारे मुसलमान भाई बहन घूम रहे हैं, देखिए मुसलमान भाइयों की शॉप है यहाँ पर सबकी, नई नई अभी डेवलप कर रहा है, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, बहुत डेवलप कर रहा है ये। गाइस अब हम आ गए हैं बासनी मस्जिद पर, देखिए बहुत प्यारी मस्जिद है यहाँ पर, ये बहुत ही प्यारी दरगाह है, देखिए हमारे पीछे जमा मतलब बहुत ही प्यारी है, देखिए सामने मस्जिद की जस्ट सामने कितना प्यारा घर है, बिल्डिंग ही बनी हुई है, बहुत ही प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पर, बहुत ही मतलब कलाकारी से बनाया हुआ है हर घर, है ना। ये देखिए ये शॉपिंग मॉल बन रहे हैं, धीरे धीरे बहुत डेवलप हो जाएगा मुंबई, छोटा मुंबई कहलाने वाली ये बड़ा मुंबई नहीं कहलाने लग जाए मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है ये एरिया, देख लीजिए आप, आपके सामने ही है डेवलपमेंट, यहाँ भीड़ भी जनसंख्या भी ज़्यादा है बहुत, ये घर देखिए यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे घर भी बने हुए हैं, और धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रहा है। ये एक और मस्जिद है यहाँ पर, अब ये हम यहाँ होटल भी है, बहुत सारी होटल्स है, सब मिलता है यहाँ पर, नागौर आने की ज़रूरत ही नहीं है, सब यहाँ मिल जाता है बासनी में, बल्कि नागौर वालों को कई बार बासनी आना पड़ता है ना। अब हम बासनी से घर की ओर निकल रहे हैं वापस,
ये छोड़ मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास में था इसलिए देख लीजिए। हम आगे ये बासनी की पुलिया के पास बनने में प्लॉट कट रहे हैं। ये मेरी बाइक, ये हमारे नागौर का पुलिया है, ये देखिए नीचे रेलवे की पटरियाँ हैं। ये मैं और मेरा फ्रेंड हम बासनी जाके आगे हैं। फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।